Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padpadme Tayoshritva Pranamami Muhur Muhur Namo Shri Yati Rajaya Vivekananda Suraye Sat Chit Sukh Swarupaya Swami Netapaharane Pujya Swami Nikhileshwarananji Maharaj Savagharme Baithe Ananya Pujya सन्यासी वृंद ब्रह्मचारी वृंद मंच पर उपस्थित मेरे सह वक्तागण और आप सब राजकोट शहर से एवं बाहर से आए हुए श्रोतागण आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे जो आज ये विषय दिया गया है लेगेसी ऑफ स्वामी विवेकानंद। अब लेगेसी शब्द का अर्थ तो होता है कि वे क्या देखे गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं ये कहा कि मैं जो कर गया हूँ 1500 वर्षों के लिए कर गया हूँ, 1500 वर्षों के लिए स्वामी जी की एक वाणी है। तो 1500 वर्षों के लिए उनकी लेगेसी तो उन्होंने स्वयं ही बोली कि प्रभावशाली रहेगी, तो उसको आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा बृहद विषय उसके बारे में तो अभी 10% ही समय भी गुजरा है, 125 साल बल्कि स्वामी जी के जाने के बाद 117-118 साल हुए हैं और 1500 साल में 90% समय तो अभी बाकी है। तो लेगेसी जो उनकी है वो भी एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन, भग्नांश, एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन उनकी लेगेसी का भी मुझे लगता है मैनिफेस्ट हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है हमारे देश में एवं सारे जगत में, और उसका बहुत बड़ा अंश तो आने वाला है। हम लोग बल्कि अभी एकदम शुरुआत में, अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह ये रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का जो प्रभाव है वो हम देख रहे हैं 125 साल में। फिर भी इसमें भी इतना कुछ हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं और स्वामी जी देखे गए बहुत सारे जो हिंट्स और क्यूज जिसे बोलते हैं, जिनको लेके आगे बढ़ना है, वो धीरे धीरे समय के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं और भी ज़्यादा होते जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लेगेसी में अगर उसे तोड़ें छोटे छोटे हिस्सों में, एक दो तीन ऐसे बिंदु हम पकड़ें सारे विश्व के लिए एवं भारत के लिए इन पर्टिकुलर, क्या उन्होंने राशि छोड़ी ये अनुप्रेरणा की राशि, उसमें एक प्रश्न सबसे पहला बेसिक प्रश्न पकड़ें कि धर्म की परिभाषा अगर हम लोग से पूछा जाए कि धर्म क्या है, व्हाट इज़ रिलीजन। असल में सुनने में बड़ा सहज प्रश्न लगता है पर अधिकतर लोगों को पूछा जाए तो ठीक से बता नहीं पाते, इसीलिए इतनी सारी बहुत सारी समस्या, क्लेश, वैनमस्य भाव, वो सब भी इस कारण से। क्यों? मतलब हम लोग किसी से पूछें तो ऐसा लगता है कि धर्म वो जिसमें मेरा जन्म हुआ है या एक आइडेंटिटी से संबंधित कि मैं इस संप्रदाय से हूँ, ऐसा ही जवाब अधिकतरों से मिलेगा। सबसे पहली बात तो स्वामी विवेकानंद ने, हम लोग जो भी स्वामी जी को जानते हैं हमारे लिए प्रश्न का उत्तर एकदम क्लियर। ये प्रश्न जो सुनने में सहज है और बड़ा ही जीवन से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में कि धर्म क्या है, और जिसमें फंसे हैं उत्तर देने में लोग, क्लैरिटी नहीं है। स्वामी जी के अनुरागी, स्वामी जी के जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने पढ़ा है, लिया है उनसे, उनके लिए सहज है क्योंकि उन्हें मालूम है। स्वामी जी ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि रिलीजन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर जो दिव्यता, जो पहले से अंतर्निहित दिव्यता जो है, उसका बहिर्प्रकाश हर कदम कदम पे, हर क्षण क्षण पर
जीवन के हर मुकाम पर, हर परिस्थिति में उसका जो है उसको बाहरी स्वरूप देना, बाहर प्रकाश करना, ये दिव्यता जो हमारे अंदर है वही धर्म है। तो ये इतना क्लियर ये हमें स्वामी जी से मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि अध्यात्म का, धर्म का, ये जो है जीवन का सिर्फ एक पार्ट नहीं है, जीवन ही धर्म है, स्वामी जी ने कहा भी। और इस बात को स्वामी जी ने जो ये सामंजस्य किया, जो सिस्टर निवेदिता इंट्रोडक्शन टू कंप्लीट वर्क्स, जिसके बारे में बलभद्रानंद जी महाराज ने भी उल्लेख किया था, उसमें वे बोलती हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्लीट वर्क्स, सिर्फ चार पेज सिस्टर निवेदिता लिखी कंप्लीट वर्क्स स्वामी विवेकानंद के, उसमें कहती हैं कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रेड एंड द सेक्युलर। ये जो है ये सेक्रेड है, ये पवित्रता है, ये धर्म से संबंधित है, और ये चीज़ें नॉर्मल दुनियादारी की हैं, जीवन की, जिंदगी की हैं, ऐसा डिस्टिंक्शन स्वामी जी ने ख़त्म कर दिया। अब ये पार्थक्य, ये भेद, ये डिफ्रेंशिएशन कि ये जो है धार्मिक अंश है मेरे जीवन का, और ये जीवन का एक प्रैक्टिकल अंश है, दुनियादारी का अंश है, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं। लाइफ इट्सेल्फ इज रिलीजन, सिस्टर निवेदिता ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट वर्क्स में लिखा है। टू लेबर इज टू प्रे, टू हैव एंड होल्ड इज एज टर्न अ ट्रस्ट एज टू क्विट और अवॉइड। तो ये भेदाभेद उन्होंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिए, जीवन को एक पूर्ण इंटीग्रेटेड होल की तरह देखने की दृष्टि। जीवन जो है, धर्म जो है रियलाइजेशन, अनुभूति है, स्पिरिचुअलिटी इज रियलाइजेशन, रिलीजन इज रियलाइजेशन, और हर कदम कदम पे उसका बहिर प्रकाश। सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि स्वामी जी के आने से इस ये बहुत ही बड़ी क्लैरिटी कि जीवन एक इंटीग्रेटेड होल है, और वो इट इज़ सिनोनिमस एक्चुअली विथ स्पिरिचुअलिटी। हम हर क्षण में, कोई कम स्पिरिचुअल है, कोई अधिक मात्रा में अपनी डिविनिटी को, अपनी दिव्यता को एक्सप्रेस कर रहा है, पर हर कोई कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये। ये ऐसा बाइनरी गेम नहीं है कि ये जो है ये व्यक्ति स्पिरिचुअल हैं और ये व्यक्ति एकदम ही स्पिरिचुअलिटी में है ही नहीं। ये जीरो या वन वाला नहीं है, यस और नो वाला नहीं है। इसमें स्वामी जी की एक उक्ति इसको ही प्रकाशित करती है, इस भाव को, जो जब उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेसेस फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ, नेवर फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। कोई भी अनट्रूथ में नहीं है। लोअर ट्रूथ में हम हो सकते हैं, अनट्रूथ में हम फंसे हुए हैं, अंधकार में, पूर्ण अंधकार में फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है बहुत ही बड़ा रिडीमिंग स्टेटमेंट है। मुझे ध्यान है कि मैं ये सबसे पहले जब स्वामी जी का अध्ययन शुरू किया, उनमें से कुछ बातों में जो सबसे ज़्यादा मुझे अपील की वो ये थी, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ही बड़ी ढाढ़स दिलाने वाली बात है कि हम ऐसा नहीं कि एकदम भूले भटके हैं। जितने भी हम, हो सकता है बाहरी दृष्टि से खराब काम कर रहे हो, जिसे दुनिया खराब समझती है, या खराब संगति में हो, या कुछ ऐसी गलतियां हो गई, पर फिर भी वो प्रकाश तो हमारे अंदर हमेशा ही है। और ये हमारी यात्रा का एक अभिन्न अंश था। स्वामी जी ने कहा, आई ब्लेस माई मिस्टेक्स बिकॉज आई स्टैंड अपॉन माई मिस्टेक्स। मैं जो खड़ा हूँ यहाँ, स्वामी जी ने कहा, वो मेरी पहले की त्रुटियाँ, मिस्टेक, दोष, उन्होंने मुझे बनाए। आई ब्लेस देम दैट आई कमिटेड दोज मिस्टेक्स। तो ये जो भाव टोटल पॉजिटिविटी का, इसमें पुण्य और पाप की जो बाइनरी है, जिसके ऊपर पूर्व के वक्ताओं ने भी बात की थी, इस बाइनरी से बाहर निकाल कर, ये पुण्य पाप की जो बाइनरी है उससे बाहर निकाल कर सभी ट्रूथ की यात्रा पर हैं, सभी अपने दिव्यता के को प्रकाशित करने की यात्रा में, अपने अपने दर से, अपनी अपनी रेट से, अपनी अपनी गति से हर कोई ये यात्रा कर रहा है। कोई थोड़ा पीछे हो सकता है, कोई थोड़ा आगे हो सकता है, पर सब उसी यात्रा में हैं। क्योंकि स्वामी जी ने कहा शिकागो की, उनके पहले जो दो मिनट का जो ओपनिंग लेक्चर था उसी में, कि सब धाराएं जैसे समुद्र की तरफ बह के जा रही होती हैं। तो इसी तरह हम सभी उस अपनी जो डिविनिटी है, दिव्यता, उसको प्रकाशित करने की यात्रा में। प्रश्न यहाँ एक और उत्पन्न होता है कि ये डिविनिटी से क्या अर्थ था स्वामी जी का, क्योंकि इतनी बार
ये डिवाइन, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी, ये वाली बात आती है, डिवाइन डिविनिटी दिव्यता. तो दिव्यता मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनिट कैपेसिटी टू बी प्योर, टू बी सेल्फलेस, टू बी लविंग, टू बी केयरिंग, वॉट एवर वी होल्ड एज गुड एंड ग्रेट, जिस भी चीज़ को हम श्रेय समझते हो, श्रेष्ठ समझते हो, उन सब चीज़ों की इन्फिनिट कैपेसिटी हर व्यक्ति में मौजूद, ये दिव्यता है. जिस भी चीज़ को हम पॉजिटिव, श्रेष्ठ, श्रेयस्कर मानते हैं, वो करने की हमारी असीम कैपेसिटी है. स्वामी जी के अनुसार इन्फिनिट प्योरिटी की कैपेसिटी हमारी, अगर हम नहीं उसे प्रकाशित कर पा रहे, ये हमारे कुछ दोषों के कारण, लिमिटेशंस के कारण, क्योंकि हमने अपने आप को लिमिटेड मान रखा है, इसलिए ना कि इसलिए क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी पूरी है. इन्फिनिट लविंग, सर्विंग, सेवाभावी होने की, स्नेहशील होने की, संवेदनशील होने की, ये सब. और ये डिविनिटी से ही, ये जो स्वामी विवेकानंद की सेंट्रल थीम ही डिविनिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स थी, इसी से एक उनकी दूसरी आइडियल अगर अपन बोलें तो स्वामी विवेकानंद का सारी राशि इन दो बिंदुओं पर चलती है. और ये दूसरी भी एक्चुअली पहली से ही डिराइव्ड ही बोल सकते हैं, वो है वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. क्योंकि हम सब डिवाइन है, एवरीथिंग इज डिवाइन एंड वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, हम सब पूरी तरह से एक हैं. कहने के लिए एक, या कोई आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी कार्ड नहीं कि एक जाति के हैं या एक देश के हैं, हाँ एक जेंडर के होने के कारण एक वननेस का भाव है एक दूसरे से, या किसी और कारण से, एक समय में रह रहे हैं, एक स्कूल कॉलेज में गए, इस कारण से नहीं, इसलिए क्योंकि सबके अंदर वही सेम, वही कॉमन डिवाइन डायमेंशन, जो दिव्य मात्रा जो है, वो सबके अंदर एक ही है. और ये दिव्यता का उद्घोष स्वामी जी ने शिकागो में किया. उनका एक बड़ा प्रिय श्लोक जो था श्वेताश्वतार उपनिषद का, उसको ही वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश में अपने ढंग से बोला. आप में से बहुतों ने सुना होगा वो श्लोक भी, कि श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमिति नान्य पंथा विद्यते अयनाय. स्वामी जी ने इसी को अपने, बहुत ही इंस्पायरिंग, ये 19 सितंबर वाला लेक्चर था जिसकी पूज्य नरसिंहानंद जी महाराज ने भी उल्लेख किया, बलभद्रानंद जी ने भी किया था. उन्होंने जब बोला ये, उसके एक सबसे सुंदर पैसेजेस में से उस लेक्चर के, हियर ही चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस आई हैव सीन द एंशिएंट वन हुज बियॉन्ड ऑल डार्कनेस ऑल डिल्यूजन नोइंग हिम अलोन शैल यू बी सेव्ड फ्रॉम डेथ ओवर अगेन. चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, व्हाट अ स्वीट, व्हाट अ होपफुल नेम. Allow me to call you brethren by that sweet name, heirs of immortal bliss. We are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect. Divinities on earth, sinners, it's a sin to call a man so. It's a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is your servant. Not you, the servant of matter. तो यहाँ पर एकदम quintessential विवेकानंद जो हम बोलें अगर, वो निकल के आता है इसमें एकदम, कि कम अप ओ लायंस, यही घोषणा उनकी बार बार, कितनी जगह ये वाली, ऑनवर्ड फॉरवर्ड, जागो उठो, जागो अराइज अवेक, कम अप ओ लायंस एंड शेक ऑफ द डिल्यूशन दैट यू वर्शिप. तो हमारे अंदर ये असीम स्ट्रेंथ जो भरी हुई है उसको प्रकाशित करना, ये डिविनिटी और यही स्पिरिचुअलिटी. एक पत्र में स्वामी जी, उनके बड़े महत्वपूर्ण पत्र में लिखते हैं सिस्टर निवेदिता को, वो उन्होंने अमेरिका से लिखा, जबकि सिस्टर निवेदिता लंदन में थी और भारत आगमन उनका भी नहीं हुआ था. 1896 का पत्र है वो. तब उन्होंने एक लाइन में, या आप बोल सकते हैं कि तीन चार वाक्यों में, एक मैनिफेस्टो की तरह, कि उनका पूरा विजन और प्रोग्राम स्वामी जी का,
क्या है, उसकी काफ़ी अच्छी झलक मिलती है उस पत्र में। जब वे पहली वाक्य में लिखते हैं कि माय आइडियल इंडीड कैन बी पुट इन अ फ्यू वर्ड्स, दैट इज़ टू प्रीच अन टू मैनकाइंड इट्स डिविनिटी एंड हाउ टू मैनिफेस्ट इट इन एवरी मूवमेंट ऑफ वंस लाइफ। मेरे जीवन का आदर्श से कुछ ही शब्दों में कहा जा सकता है, वो ये है कि मनुष्य को उसकी दिव्यता के प्रति सचेत करना कि भाई तुम दिव्य हो, दिव्य हो, क्या सोच रहे हो तुम अपने आप, ये दिव्यता भरी हुई है तुम्हारे अंदर, ये असीमता भरी हुई है तुम्हारे अंदर, ये परफेक्शन भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, और उसको किस तरह हर पदक्षेप में, हर स्टेप ऑफ लाइफ में, हर मूवमेंट ऑफ लाइफ में किस तरह उसे एक्सप्रेस कर सकें, यही मेरा आदर्श, मेरे कार्य का, जीवन का आदर्श स्वामी जी ने लिखा कि ये कुछ ही शब्दों में बोला जा सकता है। और इसी पत्र में फिर लिखते हैं वो कि हु शैल गिव द वर्ल्ड लाइट, कौन देगा प्रकाश, सेक्रीफाइस हैज़ बीन द लॉ इन द पास्ट, सेक्रीफाइस विल रिमेन द लॉ इन फ्यूचर। पहले भी अतीत में भी बलिदान करके ही, महापुरुषों के बलिदान से ही जगत को रोशनी मिली है, और ये भविष्य में भी ऐसा ही, यही नियम चालू रहेगा। द अर्थ्स बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट विल हैव टू सेक्रीफाइस देमसेल्व्स फॉर द गुड ऑफ मैनी, वेलफेयर ऑफ ऑल, बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए। विश्व के सबसे साहसी जो लोग होंगे उनको अपना बलिदान करना पड़ेगा। ये स्वामी जी ने कहा कि धर्म जो है, विश्व के जो बाकी धर्म और पंथ हैं, मतलब सब पंथ, वे जो हैं दे हैव बिकम मॉकरीज, हास्यास्पद हो गए, वो बोलते हैं संकीर्णता में फंस गए हैं अब। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज कैरेक्टर, विश्व को जो आवश्यकता है वो है चरित्र बल की। अवे कवे को ग्रेट वन, द वर्ल्ड इज बर्निंग विथ मिजरी, कैन यू स्लीप, असाधारण वाक्य है ये पत्र में। मुझे लगता है कि हम सबको ये संदेश स्वामी जी का, अवेक अवेक ओ ग्रेट वन, उठो जागो हे महाप्राण, ये विश्व जो है दुखों की, कष्टों की अग्नि में जल रहा है, क्या तुम सो सकते हो। ये सिर्फ मिस मार्गरेट नोबेल को 1896 में लिखा हुआ पत्र नहीं है, ये उस पत्र के माध्यम से स्वामी जी की है का आह्वान है सारे जगत के लिए। और यही आह्वान आप सबके, हम सबके प्रति वे दे के गए हैं। कहा स्वामी जी ने ये, माई होप लाइज इन द फ्यूचर जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स, दे शैल वर्क आउट द एंटायर प्रॉब्लम लाइक लायंस। तो आप सब जो युवक गण, विद्यार्थी गण बैठे हैं यहाँ पे, आपको ये ना लगे कि हाँ आप स्वामी विवेकानंद के ऊपर आज हम ये सारा दिन अटेंड कर रहे हैं, वो तो महापुरुष थे, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, वो तो किया ही, पर आप सब उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनके काम। पहली बात तो उनका काम अभी पूरा हुआ नहीं, जैसा मैंने कहा 1500 साल का स्वामी जी दे के गए प्रोग्राम, उसमें से अभी 10% हुआ है, बाकी होगा कैसे, आपके हमारे जैसे लोगों के उसमें लगने से ही होगा। वो भी स्वामी जी बोल के गए कि माय होप लाइज इन द फ्यूचर जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माय वर्कर्स, आप जैसे लोगों में ही स्वामी जी के सैनिक बन के तैयार होने वाले हैं। आप में से एक एक स्वामी जी का एक पोटेंशियल सोल्जर है, एक एक संभव्य सिपाही सैनिक स्वामी जी का है। किसका, लोगों को उनकी दिव्यता के प्रति सचेत करने का, जो स्वामी जी का प्रोग्राम है 1500 साल, बाकी हम क्या छोटी छोटी छोटे गोल क्या लेने। एक हमारे ऐसी स्वामी जी के अनुरागी, एक सन्यासी फुल ऑफ स्वामी जी भाव के हैं बेलूर मठ में, उनसे एक पूछा पॉलिटिक्स को लेके कुछ प्रश्न, तो उन्होंने कहा यार मुझे छोटे गेम, ये 5-5 साल के गेम की बात मुझसे मत किया कर, ये 5 साल का गेम है, ये सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार आ गई, जिसकी भी आ गई, हम तो बड़ा गेम वाले हैं, 1500 साल का हमने स्वामी जी गेम देके गए, हमारा इंटरेस्ट उसमें है, इतना छोटे गेम में हमें मजा नहीं है। तो ये जो भाव है चलते रहेगा, हम सब लोगों को ही चलाना है,
स्वामी जी के जो भी मैं कहूँगा अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन थे देश और दुनिया को लेकर, वे सब हमारे लिए प्रोग्राम एजेंडा है। हमें दूसरा प्रोग्राम एजेंडा खोजने की ज़रूरत नहीं है। लेटर्स ऑफ विवेकानंद पढ़ें, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जो स्वामी ने ऐसी कभी अभिलाषा व्यक्त की कि ऐसा होता तो अच्छा रहता हमारे देश में या दुनिया को लेके, और अगर नहीं हुए हैं या लिमिटेड रूप से हुए हैं तो वे सब हमारे लिए प्रोग्राम एजेंडा, वे सब हमारे लिए करने लायक काम है, कोई कमी नहीं है। स्वामी जी इतने ऐसे निर्देश और लाइन्स ऑफ डायरेक्शन देके गए। मैं समाप्त करूँगा एक बात बोल के जो मैं मुझे बहुत ही लगता है यहाँ पे रेलिवेंट है। एक बहुत ही 20th century के ग्रेट हिस्टोरियन हुए, एरिक हॉब्सवॉर्म नाम था उनका। अभी 5 साल पहले उनका देहांत हुआ और उसके लिए 50-60 साल में दुनिया के टॉप 2-3 हिस्टोरियंस में से गिने जाते थे ब्रिटेन के। तो हॉब्सवॉर्म से करीब 1980 या 90 के दशक में पूछा गया एक प्रश्न कि व्हाट डू यू थिंक प्रोफेसर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके बारे में क्या आपका विचार है, क्या उसका आउटकम निकला, कैसे देखते हैं। अब आपको मालूम है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में और हॉब्सवॉर्म से प्रश्न पूछा गया करीब 1980s में, 200 साल के बाद। और हॉब्सवॉर्म बोलते हैं अपने अंदाज में, इट्स टू अर्ली टू से, बोलते हैं अभी बहुत ही जल्दी है बोलने का, इतने जल्दी नहीं बोला जा सकता क्या उसका प्रतिफलन है। तो स्वामी जी को लेके भी मुझे तो यही लगता है, कई बार मैं सोचता हूँ कोई बोले स्वामी जी का प्रभाव, रेलिवेंस, हाँ उनका जो इम्पैक्ट, मुझे यही लगता है इट्स टू अर्ली टू से। अभी तो जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग ही हमने देखी है, जो स्वामी जी ने उद्घोषणा की और उनका 9 साल के एक्टिव लाइफ में जितनी ऊर्जा उन्होंने एक्सप्रेस की, वे हमारे देश और सारी पृथ्वी के लिए अलग अलग ढंगों से किस तरह नया नया स्फूर्ति संचार करेगी, नए दिशाओं में एक अलग तरह की मानवता को तैयार करने की, वे उसमें बहुत बड़ा अभी जो परिणाम है वो बाकी हैं, अभी शुरुआत हैं। और हम सब स्वामी जी के सैनिक हैं, एक एक जन को उस महायज्ञ में लगना पड़ेगा इस 1500 साल के कार्यक्रम में। ये संकल्प करके आप लोग आज इधर से जाएं अपने अपने ढंग से। स्वामी जी ने आपके प्रति बोला जो जो बोला, हर पत्र में जो उन्होंने लिखा हुए हम सबके प्रति लिखा, इस ढंग से स्वामी जी को अध्ययन करें, इस ढंग से पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा, उनकी शक्ति। वे बोल के गए थे कि हूसेवर रीड्स माई लेटर विल गेट माई पावर, एक पत्र में ऐसा लिखा उन्होंने, वही पावर आपको स्वामी जी का मिल जाएगा। और उससे अपना जीवन तो सार्थक हो गई, अपने इर्द गिर्द भी सबको हम वो शक्ति वो पवित्रता दे सकेंगे। ये बोल के मैं अभी अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। नमस्कार।